हेलो एवरीवन, राहुल शर्मा दिस साइड फ्रॉम इक्विटी 99। फ्रेंड्स, आज 8 मई 2020 है और आज काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें आज निकल के आ रही हैं। देयर बिग न्यूज कमिंग इन फ्रॉम द सेक्टर्स एंड फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट ऑल दोज सेक्टर्स एंड द स्टॉक्स विच आर गोइंग टू परफॉर्म इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स एंड द सेक्टर्स विच आर लाइक विल बी परफॉर्मिंग मच बेटर फ्रॉम द लास्ट प्रीवियस डेज। So friends, please watch my video completely, and to the new people, please go and subscribe my channel and please go to Telegram channel of my company, which is Equity 99. Friends, because the live market updates and the like recommendations and information is provided on the real time basis on Telegram. So please go there and subscribe our channel Equity 99 on Telegram platform. Friends, now I would like to start my video because I want to include some 2-3 parameters in this video, so I will be a little fast. Friends, first of all, I'm including sector wise. So we think that in sectors, pharmaceutical sector is going to be a really a game changer in coming days, because from last 4 years, pharma sector was the one jo ki kafi zyada underperformer raha hai. और इसके अलावा लोगों ने उसके ऊपर फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस देखी है लास्ट 4 सालों में। बट अब चूंकि सिचुएशन बदल चुकी है, फार्मास्यूटिकल के हम ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट हैं, लोगों को जो COVID-19 सिचुएशन के बाद में जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं ग्लोबली या इंडिया में, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाली है, क्योंकि दवाइयाँ बनेंगी और नए नए प्रोक्योरमेंट्स होंगे और नई नई चीज़ें जो मेडिकल और फैसिलिटीज़ में लगती हैं उनके ऊपर रिसर्च करा जाएगा और उनका प्रोडक्शन होगा, एक नए तरीके से ये सारी चीज़ें आएंगी सामने। सो आई फील दैट फार्मास्यूटिकल सेक्टर विल बी द वन जिसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा मेडिसिन स्टॉकिंग के ऊपर भी काफ़ी बातें चल रही हैं कि मेडिसिन स्टॉकिंग होगी। इसका मतलब ये है कि आने वाले उसमें साइकोलॉजिकली आप देखें कि अगर किसी देश के पास में मेडिकल जो है स्टॉकिंग अगर कम है तो वो किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। इस वजह से इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो अब इसको मतलब एक स्टॉकिंग करेंगी इसकी, इसको रख के रखेंगी आने वाले लंबे समय के लिए। सो फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज द सेक्टर जो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ऑटो सेक्टर, बिकॉज ऑटो सेक्टर में आप थोड़ा सा हैरान होंगे कि मैं ऑटो सेक्टर क्यों बोल रहा हूँ, बट फ्रेंड्स अगर आप रियल ग्राउंड्स पे देखें तो हमें आज की डेट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जितने भी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सब रहता है आने जाने के लिए व्यवस्था, वो सारी चरमरा गई है। आज की डेट में कोई भी एक दूसरे को पास नहीं आना चाहता है, वायरस के स्प्रेड होने के कारण खतरा रहता है। तो ये सारी चीज़ें आने वाले समय में भी कंटिन्यूड रहेंगी, और आप मान के चलिए कि ये सारी चीज़ें 1-2 साल तक, आने वाले साल तक कंटिन्यूड रहने वाली है। सो मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि BS6 जो कि हमारे यहाँ पे नया एमिशन जो व्हीकल्स में आया है, अब आप जितनी भी नई गाड़ियाँ खरीदेंगे वो सिर्फ BS6 मॉडल की होंगी, पहले BS4 मॉडलिंग भी चलती थी। सो अब BS6 के उसमें जो भी कैटेगरी में जो भी फॉल करेगा उन व्हीकल्स को ही आप बाय कर सकते हैं, और इसलिए मेरे को लगता है कि आने वाले समय में गाड़ियों की बिकवाली ज़्यादा होगी और कंपनियाँ जो है वो ऑटो सेक्टर में वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा मार्केट कंडीशन के ऊपर आपको बात थोड़ी सी बताना चाहूँगा। अगर आप सब लोग अगर नहीं जानते हैं तो चाइना वॉज द वन जो कि आउटसोर्सिंग मार्केट में सबसे नंबर 1 था और अभी भी है, पर इस सिचुएशन के बाद में जहाँ की वायरस के स्प्रेड होने का ले लीजिए या फिर ट्रेड वॉर जो US और चाइना के बीच में चल रहा है, तो उसके कारण ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है चाइना के ऊपर, और आने वाले समय में काफ़ी सारे देश और कॉन्टिनेंट्स ऐसा देखेंगे कि उनको नया एक आउटसोर्सिंग कंट्री चाहिए जहाँ से उनको जितनी भी सर्विसेज हैं और जो आउटसोर्सिंग कंपनीज होती हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड कराती हैं उनके ऊपर, कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और टेक्नोलॉजिकल बेस के कारण सबसे ज़्यादा बेहतर और अच्छी पोजिशन में अभी कोई है तो वो है इंडिया। सो इंडिया की आने वाले समय में जो भी पोटेंशियल ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लग रही है यहाँ से, और आने वाले समय में हमें लगता है कि इंडिया में काफ़ी अच्छे बड़ी बड़ी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट होने चालू हो जाएंगे। आप देख ही रहे हैं कि अभी कुछ कुछ अभी आने वाले थोड़े समय में आपको बताऊँगा कुछ अच्छे कंपनियों में जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुए उसके बारे में। सो फ्रेंड्स, ये 2 सेक्टर्स हैं, ऑटो सेक्टर एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जो मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा
जो दो तीन कंपनियां मेरे को जो अभी सामने आ रही हैं, जिसमें बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, फर्स्ट कंपनी इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्री में आपको पता ही है कि अभी जो जियो का जो प्लेटफॉर्म है उसमें अभी बहुत बड़े बड़े मेजर चेंजेस हुए हैं और नए नए इन्वेस्टमेंट्स आए हैं। सबसे पहले तो हमने को फेसबुक डील देखने को मिली थी, जिसमें कि फेसबुक ने एक बहुत बड़े पैमाने पे इसको इसमें स्टेक खरीदा है। और अगर आपको नंबर्स के हिसाब से बात करूं तो फेसबुक ने 9.9% का स्टेक खरीदा था 43,534 करोड़ का। फिर हमें सेकंड न्यूज आई कि इसमें जो सिल्वर लेक कंपनी है उसने 5,655 करोड़ रुपए का अपना स्टेक खरीदा है, विच इज नियरली अबाउट 2% के आसपास है, शायद सॉरी 1.5% के पास में है। और इसके बाद जो आज हमें थर्ड खबर सुबह मिली वो ये मिली कि भैया रिलायंस इंडस्ट्री में जो विस्टा इक्विटी नाम से एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी है वो अपना स्टेक आज उन्होंने खरीदा है और वो करीबन 2.32% स्टेक है प्राइवेट इक्विटी फर्म विस्टा इक्विटी का। और इसकी जो टोटल वैल्यूएशन फ्रेंच बन के आ रही है वो आ रही है 11,637 करोड़ रुपए की। तो फ्रेंड्स, काफी सारा पैसा इकट्ठा हो रहा है रिलायंस में और जियो के प्लेटफॉर्म के जरिए। देखिए 11,637 करोड़ तो आपके नए वाले इसके हो गए, सेकेंड 43,534 करोड़ रुपए फेसबुक के हो गए और सिल्वर लेक के 5,655 करोड़ हो गए। तो फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं कितना सारा पैसा इसमें इन्फ्यूज हो रहा है। और जो मुकेश अंबानी ने लास्ट AGM मीटिंग में बोला था कि भैया हम इस कंपनी को आने वाले समय में एकदम डेट फ्री कंपनी बना देंगे, सो उसी के ऊपर काफी काम हो रहा है। 3 लाख करोड़ का डेट है रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये सारे एक्शन लिए जा रहे हैं। और ये सारी चीजों के बदौलत हमें लगता है कि आने वाले समय में रिलायंस जो है वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है। तो इस पर प्लीज ध्यान रखिए और अपनी अपनी पोजिशनल ट्रेडिंग इसमें बना के रखिए, बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिलने के चांसेस है। फ्रेंड्स, इसके अलावा तीसरा आ रहा है बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ से HDFC बैंक। जैसे कि आप जानते हैं HDFC नंबर वन बैंक है अपने अभी देश का भाई, और ये एक बिगेस्ट गेनर भी है इन द मॉर्गेज लेंडिंग बिजनेस। सो मॉर्गेज लेंडिंग बिजनेस में नंबर वन होने के कारण मार्केट शेयर जो इसका है वो काफी अच्छा है इस वाले सेक्टर में। और लोएस्ट रेट एज मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द बेस्ट इन द बिजनेस एंड इट ऑल्सो इनेबल्स द कंपनी टू गेन मार्केट शेयर एज इकोनॉमिक एक्टिविटी रिज्यूम्स। मतलब कि जैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी सारे सही होने लगेंगे, बिजनेसेस दोबारा रन होंगे, तो आप देखिएगा कि HDFC जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा और आने वाले समय में इट हैज अ वेरी गुड पोटेंशियल टू मूव अपसाइड। सो प्लीज वॉच इट वेरी केयरफुली। फ्रेंड्स, थर्ड कंपनी आई एम टेकिंग इज HUL। HUL इज हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, और आप जानते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी बहुत सारी अच्छी खबरों में रहा था और उसके अलावा उसमें थोड़े से चेंजेस भी आए थे क्योंकि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन अपना स्टेक बेच रहा था। और अभी हमने देखा कि सोसाइटी जनरल जो है उसने एक मेजर बायर की तरह सामने आई और उसने करीबन 1.3 करोड़ शेयर जो है वो HUL के खरीदे हैं, जिसकी टोटल वैल्यूएशन बैठ के आ रही है 2,455 करोड़ के आसपास। और जो इस ट्रेड की डील हुई है वो हुई है 1902 रुपए के आसपास। और तो मेरे को लगता है कि आने वाले समय में HUL बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। देखिए HUL वैसे भी अपने FMCG में और इन सब जगह जो उनके जो लीडिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें नंबर वन है, उनका कोई भी कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में HUL जब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। सो फ्रेंड्स, आप सब लोग इन सारे स्टॉक्स पे और सेक्टर्स पे ध्यान रखिएगा और मैं आपको कुछ समय में आपको कुछ नए वीडियोस और बना के दूंगा जिसमें काफ़ी डिटेलिंग होगी इन सारे सेक्टर्स और बैंकिंग के और ये सारे स्टॉक्स के ऊपर। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, गो टू माई टेलीग्राम चैनल, सब्सक्राइब अस फॉर द लाइव मार्केट अपडेट्स एंड लाइव रिकमेंडेशन इन द मार्केट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ट्रेडर और इन्वेस्टर इन दिस करंट मार्केट सिचुएशन। So friends, this was Rahul Sharma from Equity99. Please subscribe us. Please subscribe my company. And that's all for the day. Thank you so much and take care. Thank you.